छत्तीसगढ़ के प्राचीन राजधानी रतनपुर जिन्हा हर क्षेत्र में समृद्ध रहे हे और रतनपुर हा कला के क्षेत्र में आज भी अग्रणी स्थान माने जाते जेमा यहाँ के मूर्ति कला कांस्य कला और हस्तकला यहाँ के बेमिसाल उदाहरण माने जाते जिन्हा कभू रतनपुर के शान रही सोही लेकिन समय के बदलत करवट में आज उनकर कुछ निशानी देखे बर मिलते और कुछ विलुप्त हो के कगार में पहुँच गए। रतनपुर के विभिन्न स्थल मन के दीवार में उत्कीर्ण मूर्ति जेमा देवी देवता और नायक नायिका के अद्वितीय मूर्ति कारीगर मन के कलात्मक ले भरे पड़े हैं। जेमा नगर के पुराना बस स्टैंड स्थित प्राचीन गज किला के प्रवेश द्वार के दीवार मन में विभिन्न अप्सरा मन के भाव भगिमा मुद्रा में अत्यंत ही मनमोहक प्रतिमा देखे बर मिलते जेमा इखर अधो वस्त्र केस विन्यास और गहना मन में कुंडल साटी बाजूबंद आदि सिंगार से परिपूर्ण नजर आवत है। इखर अलावा अही दीवार में लंकापति रावण के दुर्लभ प्रतिमा भी उत्कीर्ण है जेखर कुछ भाग अब भग्नावेश हो चुके हैं। ये मूर्ति ला ध्यान से देखे में ऐसे प्रतीत होते कि दशानन रावण अपन सिर ला धर ले काट काट के मानव शिव जी ला अर्पित करत है। निश्चित ही ये मूर्ति मन ला बनैया कलाकार हा अपन कल्पना के उड़ान ले ये जम्मो मूर्ति मन में जान फूक दिए है ऐसे जान पर थे। रतनपुर के माटी के कहानी है कोनो साधारण नहीं है। मंदिर और मूर्ति कला के एक पूरा श्रृंखला यहाँ विराजमान है जिन्हा आज भी नगर के सुंदरता में चार चांद लगा देते। रतनपुर के विभिन्न स्थल मन में मूर्ति के दुर्लभ कृति विद्यमान है जिन्हा कलाकार मन के कलात्मक कलाकारी के प्रमाण के रूप में देखे बन मिलते। यहाँ विभिन्न स्थल मन के दीवार में देवी देवता के अलावा अप्सरा और नायक नायिका मन के ऐसे अनेक मूर्ति उत्कीर्ण हैं जन मन विभिन्न अलंकरण ले सुसज्जित है। संगीत और नृत्य के भाव ले ओतप्रोत है। हालांकि अब बहुत सारा मूर्तिमन टूट फूट गए फिर भी ये मूर्तिमन आज भी दर्शनीय है। किंवदंती में यदि गौर करे जाए तो लोगन के मानना है कि कोनो जमाना में रतनपुर हा अतका समृद्ध रहिस होही कि यहाँ हफ्ता में 52 बाजार लगत रहिस। जिहाँ कभू हीरा मोती से लेके यहाँ कांसा ले बने हुए बर्तन घलो प्रसिद्ध रही से जिला बनवैया कारीगर मन ला कसेर कहे जाते जिखर नाम ले एक पूरा मोहल्ला आज भी यहाँ बसे हुए है जिला कसेर पारा के नाम ले जाने जाते। लेकिन समय के बदलाव परिवेश हा अब यहाँ के प्रसिद्ध कांसा के बर्तन के स्थान ला अब स्टील और अन्य धातु बन ले रहे है। यहाँ के कांसा के बर्तन मन मा एक कारीगर द्वारा बनाए हुए लोटा थाली बटुआ गिलास आदि ये जम्मो बर्तन है यहाँ के कांस्य कला के इतिहास ला बयां करते जेमा रतनपुरिया कंसहा लोटा प्रसिद्ध रही से जेला अक्सर शादी ब्याह बर बेटी माई मन बर दहेज के रूप में देहे के खातिर लोगन अवश्य ले जात रहें। लेकिन आज यहाँ कुछ गिने चुने इक्का दुक्का ही कसेर कारीगर के द्वारा ये पुस्तैनी कारोबार में पुस्तैनी औजार के माध्यम ले कांसा और पीतल के बर्तन मनला सिर्फ मांजे चमकाए के ही काम इखर द्वारा करे जाते। यहाँ के एक गौरवशाली परंपरा हा अब विलुप्त होवत जावत है। कटोरा माली गिलास ये सब का चीज के बनावत रहा पहले मिट्टी के सांचा के बनाए कांसा ले आ रहे कांस पहले पेवर कांस रांगा और जस्ता रहे रांगा और जस्ता से मतलब हमन कांस तैयार करन दोनों ला मिला के भाग में बांटन तो वह पेवर कांस हो जाते रही से। आज किसे कांसा के व्यवसाय आज का चला था पहले जी से? अब पहले जी से अब कांसा के तो कोई पुछारी नहीं है सब स्टील में खास हैं। स्टील के बाद अब ये फाइबर आ गए है तब सब फाइबर हर घर घर प्लास्टिक में पानी पिया थे कोनो हमला में तो पानी पीबे नहीं करे। कहाँ तक के जाती से तुम्हारे कांसा के बने बर्तन? हमारे कांसा के बर्तन हाँ पूरा प्रसिद्ध रही से हम दुकान डाल ले देन और दुकान ले आ कर के बहुत दूर दूर के आदमी मन रतनपुरिया लोटा गिलास कटोरा हाथी पाग जो सत्यनारायण में दही लेके डालते तो दही भी वहाँ नहीं खट्टात रही से बढ़िया दही है मीठा रहे वहाँ।
एक समय में कांस्य कला के जैसे ही रतनपुर में बने माटी के बर्तन के घलो भारी मांग रहीस। जी हाँ, समय समय में खुदाई के दौरान आज भी यहाँ माटी के बर्तन के अलावा अन्य चीज मिले के प्रमाण मिलत रहे थे। बताया जाते हैं कि राजा कल्याण साय के द्वारा गज किला में जगन्नाथ मंदिर के निर्माण करवाए गईस तो वही दौरान उड़ीसा के शिल्पकार मन के संग कुंभकार जाति के कुछ लोगन भी यहाँ आ गए रहें, जिन मन यहाँ बस गई, जिखर एक पूरा मोहल्ला आज भी यहाँ कुम्हार पारा के नाम ले जाने जाते, जिखर द्वारा माटी के करसी, दोहनी, परई, कुड़ेरा और नवराती पर्व विशेष में मंदिर पर ज्योति कलश और मुख्य रूप से तीजा, पोरा आदि तिहार में माटी के खिलौना में नंदिया, बैला और पोरहा आदि ल आज भी प्रसिद्धि मिले हुए है। किंतु आज के ये आधुनिकीकरण दौर में माटी के बर्तन के मांग अब धीरे धीरे कम होवत जाते। हाँ, वर्तमान में हमन अभी कुम्हार मन यहाँ करीबन 50 से 55 घर के लगभग हन, और प्राय 90% कुम्हार मन यहाँ मिट्टी के बर्तन बनाते, जो कि बिलासपुर से लेके बिलासपुर जिला भर में जाते मिट्टी के बर्तन, दिया बनाथन, घड़ा बनाथन, काला बर्तन बनाथन और बहुत प्रकार से खिलौना है। हमर कुम्हार समाज में रतनपुर है जो है रतनपुर राज एक राज्य कहलाते और राज्य के राजधानी कुम्हार समाज में, यहाँ से हमारे यहाँ से मालिक है, दीवान है, जो समाज के प्रमुख है। त्योहारी सीजन में अभी जैसे कि दीपावली निकलीस, दीपावली में दिया बनाएन, ग्वालिन, नांदी, कलश, जैसे कि महामाया मंदिर है, महामाया मंदिर भी माँ हमन वहाँ कलश देथन, जो कलश जो है ज्योति कलश के रूप में जलते। जैसे कि कहीं कहीं हमन बाजार में जाथन, तो बाजार में जाथन तो हमन ला जगह के साथ साथ हमर जो मिट्टी के बर्तन है उखर तुलना थोड़ा एकदम बहुत तुच्छ कर देते लोगन। जैसे कि दिया ही बताथन कि भैया 20 रुपया दर्जन है, बोल के तो माटी के दिया तुम 20 रुपया दर्जन लगा था, लेकिन वो मिट्टी के बनाए में मेहनत कितना है। यदि साक्षात्कार के रूप में अगर आप देखना चाहो तो आप YouTube भी में देख सकता था, कई प्रकार के चैनल है वहाँ भी देख सकता था। रतनपुर ले हमारे डिजिटल रिपोर्टर गुरुदेव सोनी की रिपोर्ट।